story of a baby. If you're gonna play stupid games, you're gonna win stupid prizes. Hey guys, आज मैं आप लोगों के लिए 5 हॉलीवुड एक्शन एडवेंचर एवं मैजिकल मूवी लेकर आया हूँ, जिसको आप लोग यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हो। ये सारी मूवी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको यूट्यूब पर देखने में आसानी होगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। नंबर 5 पर द किड हु वर्ल्ड बी किंग। यह 2019 में बनी फैंटास्टिक वाली मूवी है। इस मूवी में एलेक्स नाम का एक लड़का होता है, जो कि स्कूल के पीछे वाली बिल्डिंग से एक तलवार निकाल लेता है। वो ऐसा वैसा तलवार नहीं होता, वो तलवार वही उठा सकता है जो कि राजा बनने के हकदार में होता है। अब एलेक्स को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि जो तलवार इसने उठाया वो मामूली तलवार नहीं है। अब ऐसे में जब ये तलवार उठाता है तो क्रिएचर्स को पता चल जाता है कोई राजा बनने आया है। अब ऐसे में क्रिएचर्स आ जाते हैं एलेक्स को मारने और पूरी दुनिया पर कब्जा करने। अब ऐसे में एलेक्स क्या पूरी दुनिया को बचा पाएगा या नहीं, इसे जानने के लिए आपको मूवी देखना चाहिए। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.1 की रेटिंग मिली है। There are 4 days until the solar eclipse, when Morgana will enter the world of the living. Arthur's knights gathered at a round table so that they will... नंबर 4 पर है द विलेन। यह 2017 में बनने वाली एक्शन थ्रिलर वाली कमाल की मूवी है। इसमें सुखी नाम की एक लड़की होती है, जो कि बहुत ही कमाल की एशियंस होती है। पहले वह आम लड़की रहती है, पर उसके सामने ही एक बंदा उसके पिता को हत्या कर देता है। ऐसे में लड़की एशियंस बन जाती है और अपने पिता का बदला लेना चाहती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक कंपनी उसको पकड़ कर और उसको एशियंस बनाकर अपने मिशन को अंजाम देना चाहता है। अब ऐसे में क्या वो लड़की अपने पिता का बदला ले पाएगा या नहीं, इसे जानने के लिए आपको मूवी देखना चाहिए। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिल चुकी है। नंबर 3 पे इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी। यह मूवी 2023 में बनी एक एक्शन एडवेंचर वाली मूवी है। इस मूवी की कहानी की बात करें तो इसमें एक आर्किटेक्ट होता है, जो कि खोई हुई चीज़ हासिल करता है। अब ऐसे में उसको तलाश रहती है एक ऐसी घड़ी की, जो कि टाइम ट्रेवल करता है और वक्त में पीछे जाता है। अब आर्किटेक्ट उस घड़ी को पाना चाहते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल है उस घड़ी को ढूंढ पाना। अब ऐसे में क्या आर्किटेक्ट उस घड़ी को ढूंढ पाएंगे, इस कहानी को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आपको देखते वक्त ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये हाल फिलहाल ही मूवी आई है। इसलिए इस मूवी को आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिए। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.9 की रेटिंग मिल चुकी है। नंबर 2 पर है वारक्राफ्ट। यह 2016 में आई एक्शन एडवेंचर एवं मैजिकल मूवी है। इस मूवी की कहानी की बात करें तो इसमें ऑक्स नाम की प्रजाति दूसरे दुनिया से इंसान की दुनिया में आ जाते हैं। अब ऐसे में ऑक्स और इंसानों के बीच में काफ़ी बड़ा महायुद्ध छिड़ जाता है। अब ऐसे में कुछ ऑक्स प्रजाति ह्यूमंस की मदद करते हैं, पर वो क्यों करते हैं, इसे जानने के लिए आपको मूवी देखना चाहिए। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिली है। तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस न कीजिए, एक बार जरूर देखिए। I used the last of my energies to summon. नंबर 1 पर पैरेट्स ऑफ द कैरिबियन। इस मूवी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, इसे IMDb की तरफ से 8.1 की रेटिंग मिली है। यह एक एक्शन एडवेंचर वाली मूवी है। बात करें कहानी की तो विल टर्नर अपने फ्रेंड एलिजाबेथ को कुछ लुटेरों से बचाने की कोशिश करता है। अब ऐसे में वो कैप्टन की सहायता लेता है। क्या वो अपनी एलिजाबेथ फ्रेंड को बचा पाएगा या नहीं, इसे जानने के लिए आपको मूवी देखना चाहिए। आपको ये सारी मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि मैं कोई भी न्यू वीडियो लाऊं उसका अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।